चीन जैसे चालाक पड़ोसी से अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए भारत एक मजबूत कवच बना रहा है। इस कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटजिक कैंपेन के तहत तैनात किया जाएगा। वैसा यह सपना दिवंगत पूर्व सीडीएस बिपिन रावत ने देखा था। उनका मानना था कि भारत के पास एक रॉकेट फोर्स हो, हालांकि वह इस पर काम भी कर रहे थे और कई बार उन्होंने रॉकेट फोर्स का जिक्र भी किया था। इस बात का खुलासा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में किया था। दरअसल चाहे प्रोजेक्ट जोरावर हो या प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का अधिग्रहण, ये सभी कदम इसी कवायद का हिस्सा हैं, ताकि चीन से जुड़े बॉर्डर पर भारत एक रॉकेट फोर्स तैयार कर सके। वैसे एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए यह प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भारत की जरूरत भी है। इसकी खूबियों पर गौर करें तो यह चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि प्रलय मिसाइल चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता वैसे तो 100 से 150 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा एक दूरी तय करने के बाद इस मिसाइल का रास्ता हवा में भी बदल सकते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलों के माध्यम से प्रलय को रोकना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल से ज्यादा एडवांस बनाया है, और तो और यह 1000 किलो तक भार ले जाने में भी सक्षम है। मुकाबले की बात करें तो चीन के पास प्रलय के स्तर की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। हालांकि प्रलय मिसाइल की गति का खुलासा अब तक डीआरडीओ की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन टेक ऑफ के समय इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बता दें, इस मिसाइल को पिछले साल 21 और 22 दिसंबर को लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया गया था।